গাশে হৃদয় আকাশে কেন মেঘাশে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেনা মোহ মেঘে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। সো টুডেস ভিডিও আই অ্যাম গোনা শো ইউ আ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो मैंने सोचा कि ये तो शादी का सीजन हो गया, तो क्यों ना शादी का गेस्ट लुक ही शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया फॉर सम रीज़न। तो मेरा हिंदी उतना ज़्यादा तो ठीक ठाक नहीं, पर चलने वाली तो है थोड़ा बहुत। पर मिस्टेक अगर मैं करती हूँ तो माफ कर देना, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत 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 प्यारे हो। तो विदाउट एनी मोर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्लीन एंड केयर फोमिंग फेस वॉश के साथ मैंने फेस को वॉश कर लिया। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ निविया सॉफ्ट क्रीम, क्योंकि ये विंटर स्पेशल मेकअप लुक है, तो मॉइस्चराइज़र के बिना हमारा फेस ड्राई हो सकता है। तो मैंने ये मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं इसको डिप डिप करके अप्लाई करने वाली हूँ। नेक पे भी अप्लाई करना है हमें, देन मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, स्किन पर ये अच्छे लगे तो इस तरह से ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। नेक पे भी फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट लैक्मे का। बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट को यूज़ करना है, नहीं तो मेरा फाउंडेशन सेट नहीं हो पाएगा। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ मैबलिन का कॉन्सिलर मेरा अंडर आई पे एंड मेरा फेस पे। जो भी आपका डार्क एरिया है फेस का, उस पर अप्लाई करने वाली हूँ मैं। देन मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है। देन एक्सपूली ब्रश का हेल्प से मैं मेरा आईब्रोज को कॉम कर लूँगी, क्योंकि मेरा आईब्रोज पहले से ही बहुत डार्क है, तो मैंने मेरा आईब्रोज को फिल नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हिलरी हुडा का एक पैलेट। ऑरेंज शेड को मैं लेने वाली हूँ। अब मैं इसको इवनली अप्लाई करने वाली हूँ। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पिंक कलर। ऑरेंज के साथ इस पिंक कलर को मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। इस आई मेकअप थोड़ा सा लाइट होगा, क्योंकि ये वेडिंग स्पेशल आई मेकअप है, तो गॉर्जियस आई मेकअप तो बनता ही है। हिलरी हुडा का और एक पैलेट से मैं इस वाइट कलर का शेड को अप्लाई करने वाली हूँ। इस शेड को अप्लाई करने वाली हूँ मेरा क्रीज पे, एक लाइट सा लुक देने के लिए। ऑरेंज शेड को अप्लाई करना है। सब शेड को ब्लेंड करने के लिए मैं पहले ऑरेंज शेड को अप्लाई करने वाली हूँ, पर वाइट शेड को मैं ब्लेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वाइट शेड रखना चाहिए। फिर मैं पिंक कलर ले लिया एंड मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैं एक वाइट ग्लिटर कलर उस वाइट शेड के साथ अप्लाई करने वाली हूँ। देन मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाली हूँ। तो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ A18 की आईलाइनर। तो
तो मैंने एक विंग्ड आईलाइनर बनाने का कोशिश किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट वीडियो है तो विंग आईलाइनर बहुत जचता है इस लुक के साथ। मैंने दोनों आईज पे ही विंग आईलाइनर बना लिया। अब मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का काजल। मैं मेरा वाटर आईलाइन में लैक्मे का काजल अप्लाई करने वाली हूँ ठीक करके। अब मैं इस ऑरेंज शेडो को लेकर मेरा अंडर आई पे एक स्पंजी ब्रश के हेल्प से अप्लाई करने वाली हूँ, जो एक बोल्ड लुक देता है आईज को। तो मेरा दूसरा आई पे भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा पूरा आई मेकअप हो गई है कंप्लीट। अब मैं ब्लश यूज करने वाली हूँ उस पैलेट से। ये मेरा फेवरेट ब्लश है, थोड़ा ज़्यादा हो गया पर मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ अच्छे से। वही पैलेट से मैं यूज़ करने वाली हूँ एक शिमरी हाइलाइटर। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ थोड़ी थोड़ी कर मेरा दोनों चिक्स पर, मेरे लिप्स पर, अब मैं मेरे नोज को कॉन्टोर भी कर लेती हूँ। इसको मैं उंगली से ही ब्लेंड करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं यूज करने वाली हूँ वही हाइलाइटर मेरे नोज पर। देन मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। ये मस्कारा बहुत बहुत अच्छा है, ये मेरे आईज को बहुत वॉल्यूम देता है, बहुत ही अच्छा है मस्कारा। अब लास्ट स्टेप लिपस्टिक, माय फेवरेट लिपस्टिक रेड कलर। सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके न ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने का जुनून देता है। तो थैंक यू, लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।